ऐसे है कि जब आपको पता चलेगा, जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि 22 दिन में ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ स्टोरी डिफरेंट हो गई। तो आप कुछ बताना चाहेंगे 22 दिन में ऐसा क्या हो गया? लाइक इट्स लाइक रोमांस था, ड्रामा था, बहुत सारा फाइट्स है, कैसे लाइक एक कपल के बीच में क्या सिनेरियोज आते हैं। एक्चुअली 22 डेज में बताना चाहूँगी ये करंट सिचुएशंस पे है, आजकल की जनरेशंस पर है कि आपको संभल के रहना चाहिए, वरना अगर आप संभल के नहीं रहे तो आपको सब कुछ ख़त्म हो सकता है। तो आप तीनों की जोड़ी और ऑन द लोकेशंस के लिए कुछ मजे के मस्ती की और कुछ आपके साथ कुछ ऐसा okay. जो ऑन द लोकेशन आप शेयर करना चाहते हैं? अच्छा, एक्चुअली हमारे जो प्रोड्यूसर है वो मॉरिशस के पहले ऐसे प्रोड्यूसर है जो बॉलीवुड में फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, अदीत गणेश जी नाम है उनका, और पूरा जो मूवी है वो मॉरिशस में शूट हुआ है, और एक एक सीन, एक एक सॉन्ग्स, लाइक दो सॉन्ग्स मॉरिशस में शूट हुए हैं, और लाइक बहुत सी ऐसी ऐसी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जो हमने ए टू जेड कैप्चर करी हैं मॉरिशस में, और लाइक हमें बहुत मज़ा आया बिकॉज उसके जो क्लाइमेट्स हैं, उनका जो ऑरा है वो बहुत मिक्सचर कर रहा था हमारे कैरेक्टर्स पर भी। तो फिल्म कब तक रिलीज हो रही है? मैं भी वेट कर रही हूँ, मैं भी ओके श्योर, मैं भी वेट कर रही हूँ कि फिल्म जल्दी से जल्दी रिलीज हो। एंड फॉर यू गाइज डू वॉच दिस फिल्म बिकॉज दिस इज द करंट सिचुएशंस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, एंड ये एक लव स्टोरी भी है, ड्रामा भी है, थ्रिलर बिल्कुल नहीं है, बस यस इट्स लव स्टोरी, इट्स अ वेरी गुड ड्रामा फाइट, एंड यस जो एक कम्प्लीट पैकेज होता है एंटरटेनमेंट का ये वो है। थैंक यू ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं मॉरिशन हूँ। इज अ फर्स्ट बॉलीवुड मूवी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिशन बाय माय सेल्फ, माय नेम इज अरिय गणेश, एंड 22 डेज इज अ मूवी सस्पेंस लव थ्रिलर, good suspense in the movie because from first to till end suspense is there. Why you produce this movie, any particular reason? Oh, why I produce this movie it's good because it's based on the story, motion based story which was written and given to me by Shivam Tiwari, and I saw that this story was fantastic. This story can tell you that 20 days can turn laugh of someone into good or into bad. How was the Shivam Tiwari? The team was, we have a very beautiful team. When you have a good team, you achieve results. And today, the result is there. The movie is completed. We are doing all the editing. All the launch will be done for the music shortly. And I'm sure that with the blessing of all, this movie will hit the screen very soon after. You said this song launch after some time. How was the song? Songs are fantastic. We had good singers like Falak Muchal, Dav Shan, Ankit Tiwari, Aditya Narayan. Very good songs and the songs are lovely and very soothing. What's the next plan? Are you continuing to produce the movie or some? Depending on the script, yes. I'm continuing to do movies. But let's see the result of this one, which will be good, I'm sure. And because it's a movie of our generation. And definitely there will be another movie to come on the way. How much excited? Excited, yes. And being the first movie, a bit tense also. सर ये जैसा आप लोग देख रहे हैं 22 डेज इस फिल्म का नाम है, ये 22 डेज जिंदगी के 22 दिन हैं जो आपको ज़मीन से आसमान पे और आसमान से ज़मीन पर ला के रखते हैं। तो ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि ज़मीन से आसमान पे पहुँचे या आसमान से ज़मीन पे आए, फिल्म का कैरेक्टर ने क्या क्या, एक्चुअली फिल्म में काफ़ी लेयर्स हैं, एक लेयर सॉल्व होता है तो दूसरा लेयर सामने आता है, दूसरा लेयर सॉल्व होता है तो तीसरा आता है, तो ये 22वें दिन पता चलता है कि ज़िंदगी में क्या क्या ट्रेजेडीज़ हुई हैं और क्यों क्यों हुई हैं। किरदार जो, क्या किरदार है आपका?
एक्चुअली ये फिल्म का जो कहानी है वो मॉरिशस बेस्ड है और जो फिल्म का हीरो है विशाल शिवरतन ये एक मॉरिशस का बिजनेस टाइकॉन है तो बिजनेस टाइकॉन का कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने काफ़ी सालों तक 8 साल तक मैंने एज एन चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर एसोसिएट डायरेक्टर मैंने काम किया हुआ है काफ़ी डिफरेंट टीवी सीरियल्स एंड मूवीज़ में। सो जब हम लोग ये फिल्म प्लान किए तो एज एन एक्टर एंड डायरेक्टर मुझे काम करने में काफ़ी मज़ा आया, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि आप बड़े ईजी वे में दोनों कैरेक्टर आप एक साथ कर सकते हैं। नहीं एक्चुअली नहीं किसी और की जगह नहीं। एक्चुअली ये आप ये फिल्म देखेंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं डेफिनेटली ये कैरेक्टर आप ही कर सकते थे। फिल्म में 5 गाने हैं और फिल्म के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं परिवेश सिंह, लिरिक्स दिया है सागर लाहौरी ने और फिल्म में सिंगर हैं आदित्य नारायण जी, पलक मुच्छल जी, अंकित तिवारी जी, शान एंड दीपाली साठे जी। शूट कहाँ पर है? पूरी फिल्म की शूटिंग मॉरिशस में हुई है। हम लोगों ने 2 गाने यहाँ पे शूट किए हैं क्योंकि हमें डांसर्स बहुत चाहिए थे जो हम मॉरिशस में हमें उतने डांसर्स नहीं मिल पाए जिसकी वजह से हमने यहाँ पे शूट किए। कब क्या प्लान है? और सबसे अच्छी बात मैं ये बता दूँ कि इसमें आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आदित्य नारायण जी ने फिल्म में गाना गाया है और गेस्ट अपीयरेंस में उन्होंने उस गाने पे परफॉर्म भी किया है। गाना तो उन्होंने रामलीला में भी गाया था, ततड़ 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 कुछ उसी टाइप से, नॉट अ यू कांट से लाइक अ ततड़ ततड़, समथिंग डिफरेंट है यहाँ का, पर वही लाइक फनी टाइप का गाना, एंजॉयमेंट वाला गाना उन्होंने गाया है और परफॉर्म भी किया उन्होंने। कब रिलीज का क्या प्लान है? बहुत जल्दी सर, अभी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई है और अभी पोस्ट प्रोडक्शन चालू है, जल्दी आप लोगों के सामने आएंगे सर। थैंक यू।